तो हेलो गाइस, वेलकम टू टेक कॉस्मोस। मैं हूं फरहान और अभी यार हम लोग आए हैं कार्तिक लैपटॉप्स में। यहां हम लोग जानेंगे बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000, 50,000, 70,000 एंड 1 लाख गाइस। ठीक है, तो डिटेल में जानेंगे, गेमिंग लैपटॉप के बारे में पता करेंगे कौन सा सबसे बेस्ट मिलेगा आपको, सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। और गोविंद भाई से हम लोग मिलने आए हैं। आई मिलते हैं गोविंद भाई, कैसे हो? बस एकदम बढ़िया सर। फर्स्ट क्लास हो? एकदम फर्स्ट क्लास सर। ठीक है, आपकी शॉप कहाँ पर, थोड़ा एड्रेस बताइए। बिल्कुल सर, अपनी स्टोर लोकेटेड है एसपी रोड बैंगलोर में। एक्चुअली एड्रेस आता है एसपी रोड के अंदर, एंटर करती 7 नंबर लेफ्ट साइड में आएंगे, स्टोर नंबर 112, टॉप नंबर है 1, कार्तिक लैपटॉप वर्ल्ड करके आप अंदर आते हैं, इजी से मिल जाएगी। और क्या क्या अवेलेबल होता है? लैपटॉप तो नाम में ही है। देखिए, अपने साथ जो डील करते हैं ज्यादातर लैपटॉप में ही करते हैं, मतलब लैपटॉप में वैसा है कि ए से लेके जेड तक, मतलब ए से लेके आपका एंड तक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, हर एक प्रकार के हर एक ब्रांड में हम लैपटॉप में डील करते हैं। उसके साथ साथ हम पीसी भी बिल्ड करते हैं, परंतु बहुत कम कस्टमर जो कि हमारे खास कस्टमर आते हैं, जो कि हमारे ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं, तो पीसी बिल्ड भी करते हैं, मतलब उतना नहीं, बहुत कम। अच्छा, पीसी बिल्ड मतलब करते हो, नेग्लिजिबल करते, करते तो ठीक है, बट लैपटॉप में आपका ज्यादा नीश है। हमारा जो फोकस है वो लैपटॉप में, मतलब हर एक प्रकार। ठीक है, परफेक्ट। आज जो है 30,000 की बात करने वाले, 30,000, 50,000, 70,000, 1 लाख। ठीक है, तो स्टार्ट करते गए 30,000 से सबसे बेस्ट कौन सा आपके पास अवेलेबल है लैपटॉप? बिल्कुल, मैं देखिए 30,000 के अंदर बेस्ट पकड़ने जाओगे तो आपको मिनिमम Asus ब्रांड का मिलेगा। Asus में कौन सा मॉडल? देखिए, उसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा i3 ले लो 10th जनरेशन, क्योंकि उससे नीचे प्रोसेसर मिल जाएगा तो फिर वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा, वैल्यू फॉर मनी मजा नहीं आएगा, फिर आप लोग ठीक है काम चल रहा है करके सर। उसमें आपको i3 ले लो 10th जनरेशन, 4GB की रैम मिल जाएगी और 256GB की SSD मिल जाएगी, 14-inch की डिस्प्ले मिल जाएगी और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, वो Asus VivoBook 14 सीरीज का है, वो अंडर 30,000 में आराम से मिल जाएगा। ये जो है वैसे बेसिक नॉर्मल यूज के लिए है, ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस यूज, बेसिक टैली वगैरह अगर बेसिक यूज करना है आपको, क्रोम ब्राउजिंग अगर वीडियो वगैरह देखनी है तो आराम से हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी अगर आपको एडिटिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, तो उसके लिए और बाकी हायर एंड के हैं। ठीक है, तो 50,000 की बात करेगा, 50,000 में क्या बेस्ट मिलता है, कौन सा मॉडल? 50,000 में दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो आपको गेमिंग मिलेगा, एक नॉन गेमिंग के साथ मिलेगा। अगर नॉन गेमिंग में लोगे तो आप ले लो HP के, आपको मॉडल मिल जाएंगे i5 11th generation के, बहुत सारे i5 11, उसमें 8GB की रैम मिल जाएगी और मिनिमम 512 की SSD मिल जाएगी और 15.6 की स्क्रीन मिल जाएगी, वो भी फुल HD के साथ, बड़ी स्क्रीन विद और फुल HD और विद ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ। ठीक है, तो उसकी प्राइस कॉस्ट रहेगी आपको 48,000, वो भी नॉन गेमिंग के साथ। ठीक है, अच्छा वैसे इंटेल कॉम्पैटिबल था, अगर राइजन की बात करें? करेक्ट, सही बोला आप, अगर राइजन में लेने जाओगे तो आपके दो ऑप्शन रहता है, एक तो आप लेनो में चले जाओ, राइजन 5 आइडिया पैड, लेनो आइडिया पैड स्लिम 3 करके आएगा, राइजन 5 5500, ये इंटेल से कंपेयर करोगे तो उसमें क्या, इंटेल में आपको 4 कोर के साथ है, परंतु राइजन में 6 कोर के साथ है, ये एक बेनिफिट है। और 8GB की रैम है, 512 की SSD रहेगी, 15.6 की स्क्रीन रहेगी, इसके अंदर आपको विद बैकलाइट भी ऑप्शन मिल जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 है। इसका कॉस्ट आपको अराउंड पड़ेगा सर 44,990, मतलब 45,000 में आराम से मिल जाएगा। 45,000 मतलब 50 के अंडर ही आ गया, अंडर 50,000 के अंदर ही, मतलब बोल रहा हूँ कि ये नामचीन है, मतलब अच्छे बराबर, मतलब वैल्यू फॉर मनी है सर मॉडल। अच्छा, प्राइसेस वैसे आपके यहाँ होते जैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो, मतलब करेक्ट, ऐसे तो हमारी बहुत सारी वीडियो बनी है, अगर ऑनलाइन से कंपेयर करोगे तो मिनिमम 7,000 to 8,000 और अप टू गेमिंग में जाओगे तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट मिलेगा, अच्छा खासा 10-20, बिल्कुल उससे भी ज्यादा हो सकता है, 10-20 तक तो चला ही जाएगा। अच्छा, इतना बेयर मिनिमम है? हाँ, मिनिमम 7-8,000, 5,000 आईफोन में बेयर, इतना एक्सपेक्टेशन करते हैं 7 से 8, 9 से 10,000 तक। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं 70,000 जो कि गेमिंग थोड़ा रेंज आ जाता है। ठीक है, थोड़ा एक गेमिंग बता देना और एक नॉर्मल, जो मतलब लाइक अगर किसी को नॉर्मल चाहिए, ठीक है, जो हाँ जिसको गेमिंग पसंद नहीं है, गेमिंग मोटा लेना, हाँ मोटा मोटा नहीं लेना, ARGB नहीं चाहिए, तगड़ी लाइटिंग नहीं चाहिए, नॉर्मल से चाहिए, जो बेस्ट काम करे। करेक्ट, देखिए अगर हम गेमिंग में बात करेंगे तो अंडर 50 भी आता है, परंतु वो फिर बेस्ट गेमिंग नहीं हुआ ना, मतलब नो परफॉर्मेंस, ओके ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक ठाक, मतलब 50 के ऊपर जाओगे तो अच्छा नाम आएगा। उसके अंदर आपको एक तो ऑप्शन है HP का पवेलियन गेमिंग, ठीक है, राइजन 5 का 5600 ले लो, GTX 1650 वाला वेरिएंट ले लो, 55 के रेंज में आराम से मिल जाएगा। एक और आपको ऑप्शन मिलेगा HP का, सेम है विक्टर 16 वाला, राइजन 5 5600 और GTX 1650, वो भी सेम सिमिलर रेंज में 55 की रेंज में है। एक और लेनोवो में, उसमें भी क्या फर्क है, उसमें आपको 120Hz मिलेगा लेनोवो वाले वेरिएंट में 55 की रेंज में, तो फीचर्स उसका है राइजन 5 5600 लेनोवो आइडिया पैड गेमिंग, तो हाँ 8GB की रैम है, 512 की SSD है, 15.6 की स्क्रीन है और GTX 1650 का ग्राफिक कार्ड है, जो डिस्प्ले हर्ट्ज है वो 120Hz का मिलेगा, मतलब ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा फीचर है, अगर दूसरे ब्रांड में कंपेयर करोगे तो 55 के अंडर में, और ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 11, ये 55 की रेंज में मिल जाएगा गेमिंग लैपटॉप। ठीक है, और 70 की अगर बात करें? अगर 70 में अभी देखो आपकी आपका बजट बढ़ गया तो थोड़ा रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा, तो अभी इसके अंदर आपको मिनिमम ग्राफिक कार्ड RTX ढूंढ रहे रहेंगे आप, क्योंकि आप बजट 70 तक पहुंच गए, तो उसके अंदर आपको देखिए मिल जाएगा i5 का है 11th generation, जो कि 11400 वाला प्रोसेसर ढूंढिएगा इसमें, क्योंकि 11300
थोड़ा लोअर हो गया, 11400 का प्रोसेसर ले लो, उसमें आपको 16 GB की रैम आएगी, 512 की SSD ले लो, RTX 3050 का वेरियंट ले लो, तो ये आपको अराउंड 68,000 में रेंज आएगा। ASUS टॉप गेमिंग 2021 वाला मॉडल है, इसकी प्राइस रहने वाली 68,990 गेमिंग के साथ, ये है ASUS टॉप गेमिंग। अगर नहीं भी हमें लेना है नॉन गेमिंग में, तो इसके लिए आपको ऑप्शन रहेगा, एक ब्रांड पकड़ लो अच्छा खासा, तो HP है, तो HP में आपको इसमें दो ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको गेमिंग तो चाहिए नहीं, नॉर्मल में चाहिए एकदम बेसिक जो, तो इसमें आपको ये ऑप्शन कर सकते हो को i7 तो 70 के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि 70 के ऊपर ही जाना पड़ेगा थोड़ा, तो इसमें आपको HP का पवेलियन गेमिंग आएगा, सॉरी नॉन गेमिंग आएगा, पवेलियन 14 ठीक है, i5 में 11 जनरेशन। अच्छा वैसे थोड़ा अगर बढ़ा भी दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी वैसे? हाँ वो ऑप्शन उसके ऊपर 75 के थोड़ा ऊपर जाते हैं तो i7 है, तो ये काम करते हैं 65 की रेंज में ले लेते हैं, ठीक है ठीक है। तो ये है i5 11 जनरेशन, इसमें आपको 16 GB की रैम मिलेगी, 512 की SSD है, 14 इंच की स्क्रीन है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 है, तो ये आपको 61-62 की रेंज में मिल जाएगा, मतलब अंडर 70 की रेंज में, अंडर 70 हो गया। अगर हम बात करें 70 के ऊपर तो 80 की रेंज, ठीक है 80 की रेंज, हाँ यस। तो अभी 80 की रेंज के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा लेनोवो HP का है विक्टस, ठीक है यस। इसमें आपको स्क्रीन साइज मिलेगी 16 इंच की है, Ryzen 7 5800H के साथ है, 16 GB की रैम है, 512 की SSD और RTX 3050 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, 144Hz का स्क्रीन साइज है और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 के साथ है। तो इसका जो प्राइस रेंज रहने वाला है सर, देखिए ऑनलाइन का तो 80 है, परंतु प्ले स्टोर में 73,990 में मिल जाएगा अंडर 80 के अंदर। नहीं आपको 80 तक पहुंचना है तो आप ये काम कर सकते हो कि इसके अंदर आपको सेम में वेरिएंट में i5 में 3050 Ti में ले सकते हो, जो कि आपको अराउंड 75 के रेंज में आराम से मिल जाएगा अंडर 80 के अंदर, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ और इससे बात करें आगे 90 के रेंज में, तो 90 की रेंज में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे 90 के अंदर। एक तो आपको मिलेगा डेल का है i7 11 जनरेशन, 16 GB की रैम है, 512 की SSD है और RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड है डेल में, ठीक है, जो कि 15.6 की स्क्रीन साइज है और 120Hz का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है। इसका कॉस्ट पड़ेगा आपको 88,990। अगर नहीं ये नहीं चाहिए आपको, नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा HP का ओमन सीरीज, हाँ ओमन सीरीज, हाँ, तो ये भी आपको 90 के अंडर में आ जाएगा। ये इसमें आपको फीचर मिलेगा HP ओमन 16 इंच का है, Ryzen 7 है, 5800H का प्रोसेसर है, 16 GB की रैम है, 512 की SSD है और RTX 3050 Ti वाला मिलेगा, 3050 Ti और 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो ये प्राइस रेंज आपको आ जाएगा 88,000 में HP ओमन, ये हमारे स्टोर का प्राइस है। अगर बाहर ढूंढोगे तो आराम से आपको 94-95 में मिल जाएगा, मतलब 95 के ऊपर की बात है। और फिर अगर हम और 90 रेंज में बात करेंगे तो दूसरा और ऑप्शन मिलेगा ASUS ROG, ROG सीरीज, यस ASUS ROG में अगर देखने जाओगे तो G17 है, Ryzen 7, 4800 मिलेगा, 8 GB की रैम है, 512 की SSD और RTX 3050 वेरिएंट के साथ है। तो इसका प्राइस रेंज आपको 78-80 के अंदर मिल जाएगा। अगर इसमें आप ऊपर जाओगे तो रैम 16 GB वाला अगर लेते हो तो वो आपको 80 के अंदर मिल जाएगा। ओके ओके ओके, मतलब रैम कम होगा तो प्राइस कम, यस ठीक है। अब 1 लाख के ऊपर अराउंड थोड़ा ठीक है, देखिए अब 1 लाख के अंदर वाले वेरिएंट देखिए तो आपको नाम आ जाएगा लेनोवो लीजियन। लेनोवो लीजियन में आपको Ryzen 7 5800 ले लो, 16 GB की रैम है, 512 की SSD और RTX 3050 Ti वाला वेरिएंट है। और इसके अंदर आप 165Hz वाला ले लो, जो कि RTX 3050 Ti में अवेलेबल है, उस 15.6 की स्क्रीन है और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 है। लेनोवो लीजियन 5 करके इसका मॉडल है, तो इसका प्राइस आपको पड़ेगा 94,500 अंडर 1 लाख के, एकदम बेस्ट मॉडल है। नहीं आपको दूसरा और ऑप्शन देखना है तो फिर ये सर नाइट्रो बेस ए की रेंज में मिल जाएगा i7 11 जनरेशन। अगर लेनोवो लीजियन लेते हो i7 तो वो भी आपको 94-95 की रेंज में मिल जाएगा। अगर हम बात करें 1 लाख के ऊपर, हाँ, तो अभी तो एक्सपेक्टेशन 30-60 तक तो जाएगी, क्योंकि बजट भी 1 लाख तक पहुंच गया। हाँ। तो इसके अंदर आपको एक तो ऑप्शन मिलता है HP Victus का Ryzen 7 5800, जो कि 16 GB रैम है, 1 TB की SSD है और 15.16 इंच की स्क्रीन है और RTX 3060 का ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, और 165Hz का और QHD के साथ डिस्प्ले मिलेगा। इसका प्राइस पड़ेगा आपको 1,06,000 करेक्ट HP का मिलेगा RTX 3060 के साथ, वो भी विक्टस सीरीज वाला, ठीक है ठीक है। तो ये की 1,10,000 के अंदर, इससे सेम सिमिलर में आपको एसर प्रीडेटर में मिलेगा Ryzen 7 5800, 16 GB की रैम, 512 की SSD और RTX 3060 6GB और QHD विथ 165Hz, वो भी 1,07,000 की रेंज में मिल जाएगा, अंडर 1.10 के अंदर आएगा। ठीक है ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस ये था सारा 30,000 50,000 हम सब रेंज में कर लिया, 70, 80, 1 लाख
सब हो गया। यस, अगर आप सेम वीडियो डिटेल में देखना चाहते हो तो हमने प्रॉपर गेमिंग में वीडियो बनाई है, तो वो आप आराम से उसमें जाके देखोगे तो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन भी दिया और प्राइसिंग एकदम परफेक्ट दिया। अगर चाहते हो तो चेक कर ले, एक और वीडियो है उसको चेक कर लेना। और इतना इस वीडियो में यार, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ होगा, एड्रेस होगा, नंबर होगा, कॉलिंग नंबर होगा, आप यहाँ पर आके देखना चाहते हो तो आके विजिट कर सकते हैं। डेमो भी अवेलेबल मिलेंगे, सारे मॉडल्स हैं यहाँ पर, अभी हमने यही दो निकाले हैं वैसे। तो ठीक है गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन सब कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।